कॉमर्स किन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हो सकती है? ये अगर आप ऑनलाइन कुछ बेचना चाह रहे हो, आपने इतनी हमारी बातें सुनी है, आपको प्रोडक्ट का पता चल गया है, आपके पास कोई सर्विस है, कोई प्रोडक्ट है, कोई आइडिया है, आप इसे एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन सी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप ई कॉमर्स सेल्स कर सकते हो? अच्छा, ये जो दानिया ने बात की, ये उस सूरत में है कि अगर आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपना ऑनलाइन स्टोर सेटअप कर रहे हैं और अपना ऑनलाइन स्टोर सेटअप करने के बाद आप अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को अपने डोमेन नेम पे अपने नाम से अपने नाम से या किसी की प्रोडक्ट्स रख के बेचें, तो आप किन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं? सो नंबर वन, मेरा मोस्ट फेवरेट प्लेटफॉर्म जो है वो है जी Shopify.com पे आप जाके उनका एक मंथ ईयरली एनुअल पैकेज है, उसको बाय करते हुए ना आपको फिक्र रहती है कि आपने वेबसाइट कैसे सेटअप करनी है, आप अपनी वेबसाइट खुद भी सेटअप कर सकते हैं, इजी टू यूज है, ड्रैग एंड ड्रॉप है, या आप किसी और के थ्रू भी कर सकते हैं। आपको मल्टीपल जो है वो टेम्पलेट्स मिल जाते हैं वहाँ पे, जिनको आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट करके अपनी प्रोडक्ट्स को सेटअप कर सकते हैं। आपने डोमेन अपनी कौन सी है, कहीं से भी बाय की हो तो वो आप उसको वहाँ पे पॉइंट करवा के, स्मॉल बिजनेसेस के लिए आइडियल है, फ्लेक्सिबल शिपिंग रेट्स होते हैं, ऑटोमेटिकली वो आपके टैक्सेस कैलकुलेट कर देता है, सिक्योरिटीज को मैनेज करता है, 100 से ज्यादा पेमेंट गेटवेज को सपोर्ट करता है, ठीक है, सोशल मीडिया के साथ इजीली इंटीग्रेट हो जाता है, एसईओ के फीचर्स, अगर आपकी शॉपिफाई वेबसाइट है आप इंस्टाग्राम पे बाय बटन के साथ उसकी प्रोडक्ट्स इजीली बेच सकते हो, ठीक है, एसईओ के साथ कंपैटिबल है, सर्च इंजन के लिए आपका कॉन्टेंट कंपैटिबल होता है। स्मॉल बिजनेस जो ऑल इन वन ई कॉमर्स सोल्यूशन देख रहे हैं उनके लिए आइडियल है शॉपिफाई को इस्तेमाल करना, दैट्स राइट राइट। और इसके बाद आ जाता है जी मजेंटो। मजेंटो जौन सा है एक बहुत अच्छा मार्केट है, मतलब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप बना सकते हैं, बट मजेंटो कंपैरेटिवली मार्केट प्लेसेस के लिए ज़्यादा बिगर बिजनेस की, जैसे कोई ब्रांड है, हाँ ब्रांड है या मॉल है, कोई अपना अल्फते है, जैसे अल्फते है, या इस तरह के बिजनेस मॉडल जो एक से ज़्यादा कैटेगरीज में, हाँ एक से ज़्यादा कैटेगरीज और लार्ज इन्वेंट्रीज को मैनेज करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है मार्केट प्लेसेस, और उस साइड पे जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए मजेंटो इज वेरी गुड। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आपको कस्टमाइज सॉल्यूशन चाहिए, आपके बिजनेस की नीड ज्यादा है, ऑब्जेक्टिव्स काफी सारे हैं, प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, कैटेगरीज बहुत ज्यादा हैं, तो फिर आप मजेंटो के साथ जाएं। फिर आपके पास नेक्स्ट है मजेंटो, उसके और बहुत है, मजेंटो की जो एक्सटेंशंस हैं वो बहुत मुनासिब आपको मिल जाती हैं, बहुत वाइड रेंज है वो भी, और मजेंटो इज। फिर आपके पास सेल्स फोर्स है, सेल्स फोर्स को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं रिसेंटली, क्योंकि DMN अवार्ड मिला, ANTP का अवार्ड मिला, बहुत अच्छी और बहुत कम्पैक्ट सॉल्यूशन है सेल्स फोर्स, फुली होस्टेड सॉल्यूशन है, उसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं। अगर आप एक कंप्लीट ई कॉमर्स का सेटअप चाहते हो तो आपको कोई मेंटेनेंस, कोई डेवलपमेंट कुछ भी नहीं करना, वो सब कुछ ऑलरेडी कंपनी डील कर रही होती है, और ओमनी चैनल रिटेलर्स के लिए, यानी डिफरेंट चैनल्स पे रिटेलर्स इजीली उसके थ्रू सेल कर सकते हैं। लार्ज बिजनेसेस जो उनके लिए सेल्स फोर्स आइडियल है, जिनके पास जिनको एक पूरा CRM का सॉफ्टवेयर भी चाहिए और सब, उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनको मतलब एक पूरा कंप्लीट बिजनेस मैनेजमेंट जो चाहिए, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट का पूरा एक प्रोसेस अगर चाहिए आपको, तो सेल्स फोर्स इज़ वेरी गुड। सेल्स फोर्स जो है आपका पूरा बिजनेस ऑटोमेट कर देता है, पूरे का पूरा एक यू कैन से एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जितने मर्जी एंटरप्राइज लेवल पे काम करते हो, आपकी बिजनेस की तमाम नीड्स जो है सेल्स फोर्स पूरी करता है, बल्कि ना सिर्फ पूरी कर सकता है बल्कि थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन की भी बेशुमार ऑप्शंस हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं WooCommerce। WooCommerce बेहतरीन प्लेटफॉर्म है अगर आप इंटरनेट पे कुछ भी सेल करना चाहते हैं, स्टार्टअप हैं, नया स्टार्ट कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस है, स्मॉल है, हर लिहाज से WooCommerce आपके लिए बेहतरीन है। WordPress जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वेबसाइट्स जिस पे होस्ट की जाती हैं, WordPress की ही एक्सटेंशन है WooCommerce, और दुनिया का सबसे बड़ा ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप WordPress वेबसाइट है आपका, उसके ऊपर आप WooCommerce का इंटीग्रेट करो प्लगइन, और वहाँ पे इजीली प्रोडक्ट्स बेच सकते हो, चाहे आप डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचो, फिजिकल बेचो, सर्विस बेचो, सब कुछ WooCommerce के थ्रू। और WordPress का ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म, WordPress का ये ऐसा प्लगइन है ये, जिसकी आगे अगर आपको फर्दर प्लगइन्स की इंटीग्रेशन करनी हो तो वन क्लिक के ऊपर आप इजीली जो सा है वो शिपिंग,
SEO और मतलब सो मेनी थिंग्स, मतलब पेमेंट गेटवेज, इसकी इंटीग्रेशन बड़ी आसान है और बड़ा यूज़र फ्रेंडली है वर्डप्रेस, क्योंकि दुनिया का एक ऐसा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके जिसको बहुत जिसका बहुत बड़ा शेयर है बेसिकली पूरी की पूरी इंटरनेट की कम्युनिटी में है। और वूकॉमर्स इटसेल्फ दुनिया का ई कॉमर्स साइट के ऊपर मार्केट का लार्ज एक शेयर जो है उसको हैंडल करता है, उसको मैनेज करता है। सो अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो शॉपिफाई के बाद मेरा पर्सनल फेवरेट, अगर आप एंटरप्राइज नहीं हैं तो फिर आपको जो है वूकॉमर्स की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, उसके बाद है बिग कॉमर्स। सो बिग कॉमर्स अभी बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप ज्वेलरी हो, शॉपिंग हो, प्रोडक्ट्स हो, सर्विसेज हो, इजीली सेल कर सकते हैं। जो बेहतरीन बात है, इसके अंदर बहुत पावरफुल बिजनेस मैनेजमेंट के टूल्स हैं, जैसे कि शिपिंग है, रिपोर्टिंग है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, ऑर्डर मैनेजमेंट है और कम्प्लीटली होस्टेड है। बिग कॉमर्स के अंदर B2B और B2C दोनों सर्विसेज मौजूद हैं। ऐसे बिजनेसेस जो मल्टी चैनल्स पे सेल करना चाह रहे हैं डिफरेंट जगहों पे, उनके लिए बिग कॉमर्स बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बिग कॉमर्स जो सा है वो मल्टीपल चैनल्स के ऊपर इंटीग्रेशन देता है, आप सेंट्रली अपनी इन्वेंटरी एक जगह से मल्टीपल चैनल्स पे सेल्स कर सेल कर सकते हैं। सो जो ग्रोइंग बिजनेसेस हैं उनके लिए जो है एक अच्छा तरीका है बिग कॉमर्स, जिस तरह से शॉपिफाई की तरह ही ऑलमोस्ट बिग कॉमर्स काम करता है, बट ये थोड़ा सा लार्ज स्केल पे काम करता है। Shopify के बिल्कुल सिमिलर एक Voolution है, Voolution भी ऐसा ही है, आप Voolution भी सब्सक्राइब करो, साइन अप करो अपना, आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, अपनी मर्जी से स्टोर फ्रंट बनाना है, अपनी मर्जी की प्रोडक्ट्स डालनी है, उसके अंदर ही सब कुछ है, आपकी वेबसाइट भी बन जाएगी, शॉपिंग कार्ट का सॉफ्टवेयर भी है, मार्केटिंग के लिए जो टूल्स हैं, ईमेल कैंपेन्स हैं, सब कुछ उसके अंदर मैनेज हो जाता है। बड़ा ईजी टू यूज़ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और स्मॉल बिजनेसेस के लिए बेहतरीन है और जो लोग नए हैं उनके लिए बड़ा अच्छा है। अच्छा, अगला आ जाता है आपका जो Drupal कॉमर्स का एक बड़ा अच्छा है, ये भी एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है बेसिकली, और ये ई कॉमर्स को जो है बड़ा अच्छा मैनेज करता है। मोस्ट ऑफ जो IT कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, वो इसको इस्तेमाल करती हैं रिटेल नीश के लिए प्रिसाइसली। सो अगर आप करना चाहते हैं IT टाइप हैं आप, या आपको सिक्योर सोल्यूशन चाहिए, बहुत ज़्यादा रोबस्ट सोल्यूशन चाहिए लार्ज बिजनेस के लिए, तो Drupal भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। अब आ जाते हैं बिगेस्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस जो एग्जिस्ट करती हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, जिनके ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट या आप किसी और की प्रोडक्ट उसके साथ पार्टनरशिप करके या सोर्स करके रख सकते हैं उसमें। अच्छा, मार्केट प्लेस का बता दें। मार्केट प्लेस भाईजन बड़ी सिंपल जी गल है, मार्केट प्लेस ये है कि आप अपनी दुकान जाके खोल लेते हैं किसी की मंडी के अंदर, जैसे कि लिबर्टी के अंदर आपकी दुकान खुल जाए, वो एक मार्केट है, उसके अंदर आपकी भी दुकान है, सही है। इसी तरह से आप चले जाते हैं जैसे कोई प्लाजा होता है, सो प्लाजा तो ऑनलाइन प्लाजा तो शॉपिंग मॉल है ना, शॉपिंग मॉल इटसेल्फ ये भी एक टाइप है कि अगर आपका मॉल है, फॉर एग्जांपल अल्फता नहीं, एक मॉल है उसके अंदर मल्टीपल शॉप्स है, लेकिन लेट से आप उसको एक ही नाम से, अपने इंडिविजुअल नेम से नहीं, अपना एक मेन नेम से जी azplazamall.com mallofloor.com और उसके अंडर डिफरेंट ब्रांड्स बिक रहे हैं, ठीक है, वो मॉल आ गया और फिर आपकी मार्केट प्लेस आ जाती है। जो फिजिकल जिस तरह के सेटअप्स हैं उस तरह का ऑनलाइन सेटअप है। सो मंडी के अंदर आप अपनी दुकान खोल लेते हैं और उस दुकान को फिर आप चलाते हैं, उसमें सबसे बड़ी मंडी दुनिया की जो सिस्टम है Amazon बिल्कुल लार्जेस्ट ई कॉमर्स सेलर है और 280.5 बिलियन नेट सेल्स हैं उनकी 2019 में। और ऐसी कंपनी है जिसको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस है आप उसके ऊपर लिस्ट करके ऑफर कर सकते हैं। लेकिन Amazon बड़ी बिजनेसेस के लिए उसके ऊपर आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट, बड़ा सेटअप और बड़ी ग्रोथ चाहिए, तो बिग बिजनेसेस के लिए है। जो पाकिस्तान में अच्छी सेल करें आप, वो अमेरिका में भी करना चाहते हैं, जो स्मॉल बिजनेस है उसके लिए नहीं है, जो बिगिनर है उसके लिए नहीं है। आप अगर Amazon FBA खुद भी खोले ना, फुलफिलमेंट बाय Amazon, तो उसके अंदर उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि दिस इज़ नॉट फॉर पीपल जो बिगिनर्स हैं या जिनकी एग्जिस्टिंग कोई स्मॉल बिजनेस है, ये बिग बिजनेसेस के लिए है।
फिर जी हमारे पास ईबे है, ईबे भी बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस तरह जिसके ऊपर रिटेलर्स और कस्टमर्स अराउंड द वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं, यूजर फ्रेंडली है, बड़े डिफरेंट पेमेंट ऑप्शंस हैं उसके ऊपर। इसके अलावा जो लोग भी प्रोडक्ट्स का काम करना चाहते हैं ये पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर जो है वो यूएसडी में या अच्छे अच्छे कस्टमर्स को अच्छी पॉकेट्स को अटेम्प्ट करना चाहते हैं वो अमेज़न के बाद ईबे के बाद इट्सी को बिल्कुल मत भूलें। इट्सी अगर आप बीए की सर्विस अच्छा एक बात मैं बता दूं, अमेज़न और ईबे जो है ये बिग बिजनेसेस के लिए हैं लेकिन इट्सी स्मॉल बिजनेसेस के लिए भी है। स्मॉल बिजनेसेस स्पेशली जो हैंडक्राफ्ट्स में, हैंडीमेड आइटम्स में, एंटीक के काम या विंटेज प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। इट्सी बहुत अच्छा है स्मॉल बिजनेसेस के लिए। अगर आप जो है लार्ज बिजनेस नहीं है और आप फैक्ट्री और इंडस्ट्री नहीं है बट यू स्टिल वॉन्ट टू सेल योर प्रोडक्ट और आपकी क्वान्टिटी उस हद तक नहीं है तो आपके लिए इट्सी बहुत बेहतर है। इट्सी को आप वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे भी अगर आप करना चाहती हैं तो इस प्लेटफॉर्म को जो है इग्नोर किया जाता है, बट इस प्लेटफॉर्म को बिल्कुल इग्नोर ना मत करें। उसके बाद हमारा आ जाता है अलीबाबा चाइना से, वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केटप्लेसेस इन द वर्ल्ड, जायंट्स जो है दुनिया की, 960 मिलियन पीपल मेड परचेसेस ऑन अलीबाबा। अलीबाबा के ऊपर आप होलसेलर्स को भी रीच कर सकते हैं और खुद भी बेच सकते हैं, मैन्युफैक्चरर्स को भी रीच कर सकते हैं। लार्ज, वंस अगेन ये भी उनके लिए है जो लार्ज बिजनेसेस हैं जो बल्क में चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अलीबाबा का रिकॉर्ड रेवेन्यू है 54.5 बिलियन इन 2019, अलीबाबा का रिकॉर्ड रेवेन्यू है, सही है। अलीबाबा जो सा है वो बिगेस्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेस इन द वर्ल्ड है राइट नाउ, और अलीबाबा जो है वो डोमिनेट कर रहा है चाइनीज मार्केट के तौर पे दुनिया में, मतलब अमेजिंग जी। और फिर अगेन अलीबाबा बिग बिजनेसेस के लिए है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो, help@dankash पे हमें ईमेल कर सकते हैं, dankash.com पर जाके आस्क dankash रेड कलर का बटन है उसके ऊपर अपने सजेशंस और क्वेश्चंस दे सकते हैं। और आप इसको अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें जिनको ई कॉमर्स करने का शौक बढ़ा हुआ है या वो ई कॉमर्स कर रहे हैं या वो कुछ जानना चाहते हैं। ओके गाइस, खुश रहें, मोहब्बत बांटें, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। 0304 111 5786 dankash.com